दावदान, लंकेश पुत्र इंद्रजीत, युवराज मेघनाथ लंकेश के अपराधी को बंदी बनाकर महासभा में पधार रहे हैं। युवराज मेघनाथ की जय। 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 महाबली सम्राट लंकेश की जय हो पिताश्री। यही है वो हत्यारा जिसने अनुजाक्ष का वध किया था। आपका अपराधी आपके समक्ष है। लंकेश, तुम्हें अपने पुत्र की शक्ति पर बड़ा गर्व है। इस भ्रम में मत रहना कि तुम्हारा पुत्र मुझे नागपाश में बांध के लाया है। यदि मैं चाहता तो इस ब्रह्मास्त्र को वही रोक सकता था, परंतु इसमें ब्रह्मा जी का अपमान होता, उनका यश कलंकित होता। इसीलिए मैं स्वयं की इच्छा से यहां आया हूं। इसमें मेरा एक स्वार्थ भी था। मैं देखना चाहता था कि कौन है वो अभिमानी रावण जिसने मेरी माता सीता का अपहरण किया। देखो मेरी शक्ति। जय श्री राम। जय श्री राम। कौन है तू? सबसे पहले अपना नाम बता। संसार मुझे पवन पुत्र हनुमान कहकर पुकारता है, परंतु मैं स्वयं को प्रभु श्री राम का सेवक मानता हूं और इस समय तुम्हारे समक्ष रघुकुल नंदन श्री राम का दूत बनकर आया हूं। मैं समझता हूं कि इस समय इतना ही परिचय पर्याप्त है। बड़ा लज्जाहीन और अपमानजनक है तेरा स्वर। कदाचित तूने रावण लंकापति रावण लंकेश रावण का नाम नहीं सुना। सुना है। जब से लंका आया हूं रावण का नाम सुन सुनकर मेरे कान पक गए। इससे पहले भी मैंने तुम्हारा नाम सुना था और यह भी सुना था कि तुम बहुत प्रतापी राजा हो, परंतु यहां आकर ऐसा लगा कि इस प्रतापी राजा को राजनीति का ज्ञान ही नहीं। क्या बक रहा है तू? ठीक ही तो कह रहा हूं। मैंने तुम्हें अपने पद से अवगत करा दिया, बता दिया कि मैं दूत हूं, पर तुमने अभी तक ना मेरे आसन का प्रबंध किया और ना ही मुझे बैठने के लिए कहा। एक तुच्छ पूंछ वाला वानर रावण को राजनीति सिखाने की चेष्टा कर रहा है। मैं तुझे आसन नहीं दूंगा, मैं तुझे दूंगा मृत्यु। मैं तुझे बैठने का आदेश नहीं, मरने का आदेश दूंगा। अब तुम्हारी समझ में कोई बात नहीं आती तो मैं क्या करूं? ठीक है, तुम आसन नहीं दोगे तो मुझे स्वयं प्रबंध करना पड़ेगा। इस प्रकार खड़े खड़े तो मैं थककर चूर हो जाऊंगा। बोलो लंकेश, अब हम एक दूसरे को भली भांति देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। मैं तुम्हारा लंका आने का कारण जानना चाहता हूं वानर। मैं ये जानना चाहता हूं कि तुमने मेरे सुंदर अशोक वाटिका क्यों उजाड़ दी, और सर्वप्रथम
मैं यह जानना चाहता हूं कि तुमने मेरे प्रिय पुत्र अक्षय कुमार का वध क्यों किया। आने का कारण तो मैं बता चुका हूं, किंतु फिर सुन लो। जो तुम जैसे पापियों को उचित शिक्षा और दंड देते हैं, जिन्होंने शिव का धनुष तोड़ा है, जिन्होंने खर दूषण त्रिश्रा और बाली जैसे महायोद्धा का वध किया, मैं उस प्रभु श्री राम का दूत हूं जिनकी पत्नी को तूने छल से अपहरण किया और अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा है। बड़े डेंगे हाक रहा है अपने स्वामी की वीरता की। मुझे विश्वास है कि तुझे रावण के बल का कोई अनुमान नहीं। कौन कहता है कि मुझे रावण के बल का अनुमान नहीं? वही महाबली रावण ना, जिसे सहस्रबाहु ने रणक्षेत्र में कपास की भांति दुनकर रख दिया था। वही रावण ना जिसे बाली 3 मास तक कांक में दाबे घूमता रहा। बस बस वानर बस, यदि तू मेरा बंदी नहीं होता तो इसे क्षण तेरी जीभ काट कर यहां फेंक देता। तुझे तेरे अपराधों का दंड अवश्य मिलेगा वानर, अवश्य मिलेगा। कैसा अपराध? वानर हूं, भूख में सताया तो वाटिका से थोड़े से फल तोड़कर खा लिए, तो ये कौन सा अपराध है? हाँ, इस कार्य में कुछ डालियां अवश्य टूट गई। फिर तुम्हारे सैनिकों ने मुझ पर आक्रमण कर दिया, मैंने अपना बचाव किया, उन्होंने मुझे मारा, मैंने उनकी पिटाई की। अक्ष कुमार को मैंने बहुत समझाया कि लौट जाए, पर वो नहीं माना, मुझसे भिड़ गया तो मैं क्या करता। अरे मार डालो इसे, इसे क्षण इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो। अरे देख क्या रहे हो, मार डालो इसे। जय श्री राम। रुक जाइए, ठहर जाइए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? विभीषण, क्यों रोक दिया इन्हें? इसलिए भ्राताश्री कि महान सम्राट रावण के सभागार में कूटनीतिक और राजनीतिक रीति का उल्लंघन हो तो बड़े दुख की बात है। इतिहास इस अपराध के लिए कभी क्षमा नहीं करेगा। मुझे समझाओ कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। दूत को चाहे वो जितनी भी धूर्तता का प्रदर्शन करे, मृत्यु दंड देना राजनीति के विपरीत है भ्राताश्री। इसे मृत्यु दंड के अतिरिक्त कोई और दंड दिया जा सकता है। परंतु इसे दंड तो अवश्य मिलेगा अनुज। मैं आपको दंड देने से नहीं रोक रहा। अनुज, वानर के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है उसकी पूंछ। उसे अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है। इस वानर को भी यही दंड मिलना चाहिए। इसके पूंछ के साथ तेल में भीगा कपड़ा बांधकर उसमें आग लगा देनी चाहिए। इसे भी आनंद आएगा और जब भी अपनी पूंछ गवाकर अपने स्वामी के पास पहुंचेगा तो उसे भी बड़ी प्रसन्नता होगी। सैनिकों, इसके पूंछ पर कपड़ा बांध दो और उसमें आग लगा दो। जो आज्ञा। Ha 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 ha
इस वानर को पकड़ो, जाओ। राज मुकुट भू पर गिरे अहंकार के हाथ, सोने की लंका जले सिंहासन के साथ, प्रलय मचा कर रुका महावीर का रोष, राम काज पूरा किया तब पाया संतोष, तब पाया संतोष।